आदाब नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। इसकी आर्ट एंड पेंटिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से आ गए हैं एक नए ट्रिक के साथ, और ट्रिक आपके लिए काफ़ी ही अच्छा है, और वो ट्रिक से आप अपने पेंटिंग के जो बैकग्राउंड में अच्छा इफेक्ट आप दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आज आपके लिए एक फिर से नए ट्रिक के साथ मैं हाजिर हूँ। वेलकम उडुचिरा जी, वेलकम तिरुपति, वेलकम सिमोना, वेलकम अलका वर्मा, वेलकम सबका। तो आज हम आपके सामने एक बार फिर से हम आ गए हैं एक नए ट्रिक के साथ, और वो ट्रिक ऐसा है कि जैसे आप कोई पेंटिंग बनाते हैं, वॉल के ऊपर काम करते हैं, तो उसके बैकग्राउंड में कुछ थोड़ा सा वो टेक्सचर डिफरेंट टाइप का वर्क करना होता है, तो उसके लिए काफ़ी आपको मुश्किल होता है। कलर से आप बैकग्राउंड बनाते हैं मिक्स करके, दो तीन कलर, है ना। तो आज जो हम ट्रिक लेकर आए हैं, मात्र दो कलर उसमें आपको लगाना है, और उसी से आपका जो बैकग्राउंड वाला जो टेक्सचर है ना, वो एकदम मज़ेदार बन जाएगा। वेलकम 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 प्रीति जी, वेलकम मीनाक्षी नैयर जी। तो आज हम आपके सामने एक नए ट्रिक के साथ आ गए हैं, और वो ट्रिक आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, और ऐसे ट्रिक हम आगे भी हम आप सभी के लिए हम लेकर आते रहेंगे, ये आपको हमेशा उससे ये फ़ायदा मिलते रहे। तो आपको मेरे पास एक बोर्ड है, ओके, वेलकम डॉक्टर रूपाली जी, ओके, ये एमडीए बोर्ड है। मैंने इसके ऊपर में पहले से मैंने एक्रिलिक पेंट मैंने कर रखा है, ओके। और आपको बताना चाहेंगे कि जो इससे पहले मैंने जो धागा वाला वर्क मैंने किया था, है ना, वो धागा बांध बांध के मैंने बनाया था, वो वाला हमारा पेंटिंग जो है ये आपको दिखाना चाहेंगे कि वो काफ़ी अच्छा बन गया है। आप देखेंगे, ये देखिए, ये धागा वाला ही टेक्निक है जो मैंने आपके सामने बनाया था, ये आप देखेंगे, है ना, ये देखिए, बहुत ही सुंदर बने हैं ये। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप भी अपने कुछ पेंटिंग में इफेक्ट आप दे सकते हैं। ये धागा, ये आप देखेंगे कि मैंने धागा लगाया है इसके बैकग्राउंड में, आप देखेंगे ये सब धागा ही है ना, ये सब धागा ही है। तो ये हम बीच में एक बार और हम आप लोग को दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले हम एक वर्क हम करते हैं। वर्क हमारा ये है, ये आप देखेंगे कि मेरे पास एक एमडीए बोर्ड है, ओके। एमडीए बोर्ड में मैंने क्या किया है कि एक्रिलिक पेंट किसी भी कंपनी का चलेगा, ठीक है, वो एक्रिलिक पेंट में मैंने ये स्टेनर डाला था। स्टेनर आप डाल के उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ये इसका ये बेस बनाया है, आप देखेंगे कि कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। ये हम इसको पहले से इसलिए मैंने किया है कि आपको दिखाने में ये आसानी हो, क्योंकि अब इसको एक बेस बनाएंगे, फिर सूखेगा तो वक्त लगता है। तो हम चाहते हैं क्या कि आपको हम इसको फाइनल करके आपको हम दिखाते रहें, वो ताकि आप लोग के लिए अच्छा रहेगा ना। तो हम इसके लिए अब फिर हम शुरू करते हैं। ये जो हमारा है, अब हम इससे डार्क बनाएंगे, ठीक है, इससे जो हम जो कलर जो बनाने वाले हैं वो डार्क बनाएंगे। तो डार्क बनाने के लिए मैंने लिया एक गिलास, उसमें ये मैंने डाला एक्रिलिक पेंट, ओके, और ये मैंने इसमें यही स्टेनर में डाल रहा हूँ, इससे डार्क हमको बनाना है। नमस्ते संध्या जी। और इससे थोड़ा सा और डार्क हमको बनाना है, तो इसमें हम वायलेट कलर भी डालेंगे, ओके, और इसमें थोड़ा सा हम ब्लैक भी मिक्स करेंगे, ओके, ताकि थोड़ा सा डार्क आ जाए। अब आप देखेंगे कि ये जो इसको हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है,
इसमें थोड़ा सा ये और हमारा ये जाएगा ये ब्लू कलर, क्योंकि इससे हमको डार्क बनाना है। वेलकम शिल्पा मंगल जी, हम इससे पहले चेक कर लेंगे कि इससे हमको लगभग में 50% हमको डार्क बनाना है, 50% इससे डार्क बनाना है। तो डार्क बनाने के लिए इसमें और हम इसमें ये कलर हम इसमें मिक्स हम करेंगे ताकि ये और डार्क हो जाए। ओके, और ये बिल्कुल आसान ट्रिक है आपके लिए, अगर आप कोई फ्रेम बना रहे हैं, घड़ी बना रहे हैं या और भी कोई चीज़ आइटम अगर बना रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अभी थोड़ा सा और डार्क होगा ये, इसको डार्क के लिए हम थोड़ा सा इसमें लाल भी थोड़ा हम डाल ही देते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क दिखाना है। इसके आगे का भी हम आपको बताएंगे कि इसमें और आप वैसे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टेक्निक में वो ज़रूरी नहीं है कि डार्क ही कलर इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। हम कुछ कलर के आपके नाम भी बताएंगे जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। सब कुछ बताएंगे आपको, बेस के बारे में हर चीज़ बताएंगे, ठीक है। अब ये मैंने लिया है ये प्लेट, ठीक है, मैं इस प्लेट पे डालूंगा। ओके, डाल दिया। ये हमारा डार्क इससे है, ओके है, डार्क है स्पैचुला। ओके, अब इस स्पैचुला से हमको करना है क्या कि आपको थोड़ा सा नीचे और दिखा देते हैं, ठीक है ना। इस स्पैचुला से ऐसे हमको उठाना है और इसके ऊपर अप्लाई कर देना ये, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर ये इफेक्ट आता है, ठीक है, ये इफेक्ट आता है जो बहुत ही सुंदर आता है, ठीक है। और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, हार्ड का मतलब कि पेंटिंग में कहीं आप लगाते हैं तो इतना ये ज़्यादा इम्बोज हो जाए कि वो पेंटिंग ही गड़बड़ कर दे, तो इसमें ऐसा बात नहीं है, ये काफ़ी अच्छा होता है। ओके, अब ही इसको हम करेंगे क्या, इसको हीटर में हम रखेंगे, ठीक है, हीटर में इसको भी हम रखेंगे थोड़ा। ओके, तो 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, तभी इसको हीटर में रख देते हैं और थोड़ा हम अपना हाथ भी धो लेते हैं तब तक, ठीक है। और होता है क्या कि ये पेंट वाले काम में थोड़ा सा सूखने का पंगा होता है, और हम चाहते हैं कि आपको जो भी पेंटिंग हम आपको दिखाएं वो आपको प्रॉपर ढंग से बताएं ताकि आपको ओके। तो ये जो हम बना रहे हैं एक्रिलिक पेंट से, ओके, तो एक्रिलिक पेंट को मैंने क्या किया है, आप कोई भी एक्रिलिक पेंट किसी भी कंपनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो पहला आप जो बेस लगाएंगे वो थोड़ा सा लाइट होगा, ठीक है, वो पहला लाइट होगा, और जब दूसरा करेंगे उससे 50% डार्क होगा। ओके, और उसमें जो भी कलर हो, चाहे वो येलो टोन में हो,
ब्राउन टोन में हो, येलो यानी किसी भी टोन में हो, बस वो डार्क लाइट का आपको लेके चलना है कि जो पहला आप लगाएंगे लाइट और उससे 50% डार्क, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने किया है क्या कि मैंने मोटा मोटा कलर ही लगाया है, इसमें इसमें पानी मिक्स नहीं करना है, ठीक है। स्टेनर आप देख सकते हैं, ये है, ये स्टेनर हम आपको बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि ये काफी उपयोगी चीज है, ये ठीक है, उपयोगी और सस्ता। उपयोगी और ये सस्ता होता है। और दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे, मैं जल्दी एक नया आर्ट लेकर आ रहा हूँ जो आपके लिए काफी अच्छा है, उस पर हम वर्क हम कर रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर ही वो आर्ट हम लेकर आएंगे और की उसकी लेंगे हम क्लासेस भी लेंगे। पहले बेस में स्पैचुला यूज करना है, हाँ वो जैसे मैंने अभी यूज किया है वैसे आपको करना है, ओके। तो एक बार और हम आप सभी लोग को, अभी जो नए आए हैं, ये धागा वाला ही है, ठीक है, ये धागा वाला ही है, ओके। अच्छा है ना, ये देखिए फेस देखिए कितना अच्छा है। बस ये कैमरा है, थोड़ा सा अलग अलग लाइट डार्क आ रहा है ना, अभी ये लाइट हो गया, यहाँ पे ला रहे हैं तो डार्क हो गया कलर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वही पीस है, ये वही प्लाई है जिसके ऊपर मैंने बनाया था, ओके। तो ये होता है फेस की बनावट, ओके। तो इसको हम रख देते हैं और आज इनका भी हम फोटो बना के, वीडियो बना के या फोटो खींच के अपने हम पेज पे डालेंगे। स्टेनर का सेट मिलता है क्या? नहीं, इसका कोई सेट नहीं आता है, आप अपने हिसाब से जो भी कलर चाहिए आपको मिल जाएगा। इसमें वजन बोल रहे हैं कि ये है 50 ml में है, 100 ml में आता है और 200 ml में भी आता है। अब आपको जो अच्छा लगे आप अपने अनुसार आप ले सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो भी हम जो टेक्सचर के बारे में आपको बता रहे हैं, ये काफ़ी ही सुंदर, बहुत ही सुंदर ये बनेगा। आप इसका इस्तेमाल करके आप फोटो फ्रेम, घड़ी, कुछ भी, नेम प्लेट, आप कुछ भी बना सकते हैं, उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। वेलकम निधि जी, तभी थोड़ा सा उसको सूखने देते हैं, उसको थोड़ा सा पलट दीजिए उधर साइड से, ऊपर से नीचे कर दीजिए उसको। उसको हीटर में लगाए हुए है ना, एक बार फिर क्या आप कृष्णा जी देखना चाहते हैं? ये देखिए, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि मैंने बनाया कैसे। पहले मैंने बोर्ड लिया, बोर्ड वो लेने के बाद मैंने इसके ऊपर धागा लगाया, धागा, ओके। ये धागा आप भी लगा सकते हैं अपने आप। इसका हमारा जो फर्स्ट इसका वीडियो है उसमें हमने अच्छा से बताया है। स्टेनर पेंट के दुकान में आपको मिल जाएगा, पेंट के दुकान में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। छोटा सा भी, छोटा अगर पेंट का दुकान है तो उसमें ये आपको मिल। और ये हमने फेस है ना, ये मैंने फ्री हैंड बनाया है, ऐसा नहीं कि मैंने ये किसी का फोटो लिया उसको मैंने ट्रेसिंग किया, ऐसा नहीं है, ओके। है ना, अच्छा सा एकदम ब्यूटीफुल है, और भी अच्छे इनको बना सकते थे लेकिन टाइम लगता है। हाँ, आप हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, ये सब वीडियो आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे,
ओके, तो आपको इसी वीडियो के साथ में हमारा YouTube का लिंक भी है, तो उसको आप दबा के वहाँ पर जाके सब्सक्राइब आप कर लेंगे, और वो वहाँ पर जाके बेल का घंटा है वो भी आप दबा देंगे, ठीक है, ताकि आपको हमारी जो वीडियो है टाइम से मिलते रहे। अभी हम थोड़ा सा उसको सूखने का वेट हम कर रहे हैं, सूखने के बाद फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, वेलकम अर्चना जी, वेलकम राजेश्वरी जी, आप ऐसे ही हमारे लाइव पे आते रहिए, और आप लोग हमारे आर्ट को इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आप सर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, एक नए नए ट्रिक आप दे रहे हैं, ये ऊपर मोती का डिजाइन कैसे बनाया, ये सब मैंने पेंट से बनाया है, ये पेंट है, ठीक है, ये पेंट है, कोई मैंने अलग से कोई मोती उती यूज नहीं किया, ये पेंट है। ओके, ये पेंट है, अगर इसका अगर ये सरफेस अगर अच्छा होता और अगर ये बिल्कुल होता प्लेन होता तो आपको बता रहे हैं कि ये मोती मैं ऐसा बना देता कि ये रियल में ही लगता, ये रियल में ही लगता कि ये रियल में मोती ही चिपकाया गया है वो, लेकिन मजबूरी ये रही, ये जो है ना ये बेस है ऊबड़ खाबड़ है। ओके, फिर भी ये है कि लग रहा है कि मोती ही है ना, इसमें मैंने ऑयल कलर ही यूज किया है, ठीक है, ऑयल कलर ही मैंने यूज किया है, आप देख सकते हैं ये, और ये धागा है, और हमको जहां तक लगता है कि ऐसे टेक्निक में फर्स्ट बार ये किसी आदमी ने ऐसा पेंटिंग बनाया है जो जो धागा लपेट दिया है और बना दिया है ना, और ये तो बस वैसे सिंपल सा ट्रिक है, मैं और अच्छा अच्छा ट्रिक आप लोग के लिए मैं वो लेकर आते रहूँगा और आपको बताना चाहूँगा, ये सारे ट्रिक मेरे अपने हैं, ठीक है, ये सारे ट्रिक मेरे अपने हैं, और आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक आपको देखने के लिए मिलेंगे जो मैं अपने माइंड से बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा ये सूखा नहीं है, ये थोड़ा सा भी ये गीला ही है, और वो हीटर है ना वो भी थोड़ा सा जवाब दे दिया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम आपसे 5 मिनट बात कर लेते हैं, और पंखा तो चालू है ही है, तब तक ये सूखेगा है ना, और फिर हम आपको दिखाते हैं, इसमें भी रियल लग रहा है। ओके, थैंक यू, वेलकम शोभना जी, वेलकम गीता राघव जी, अच्छा, आने वाले टाइम में आपको अच्छे अच्छे ट्रिक हम आपको दिखाएंगे, ला के आपको दिखाएंगे अच्छे अच्छे ट्रिक, और हमने कुछ कल मटेरियल भी लाए हैं, उस मटेरियल से भी हम आपको आर्ट वर्क आपको दिखाएंगे। अब दिक्कत यह है कि अब थोड़ा सा लॉकडाउन खुल गया है ना, तो और भी बहुत सारे काम है, ऑर्डर के पड़े हुए हैं, वो सबको करना है, और अकेले हैं हम करने वाले, ये नहीं कि हमने किसी का पेंटिंग बनवाया बेच दिया या उनको लेकर आ गए, नहीं, ये जो कृष्णा जी है ये मैंने उसके ऊपर फ्री हैंड मैंने काम किया था, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ट्रेसिंग का आपका काम आप नहीं कर पाएंगे, उसका हम आपको तरीका बताते हैं कि उसका तरीका ये है कि जो आप फोटो बनाना चाहते हैं ऐसे जगह पे, चाहे वो खुरदरा है जहाँ पे कार्बन अगर नहीं चलता है, ठीक है ना, तो वहाँ का आपको तरीका बता रहे हैं, जहाँ पे अगर आपको कार्बन चलाने में दिक्कत हो, पेंसिल चलाने में दिक्कत हो, ओके, तो आप क्या करेंगे कि अगर उसका बेस डार्क है, जहाँ पे अगर आप कर रहे हैं डार्क है, तो वहाँ के लिए आपको याद होगा कि पहले के टाइम में आज से 20 साल पहले जब हमारे पास जब जो ये है ट्रेसिंग का कोई जुगाड़ नहीं था, कार्बन नहीं था, तो लोग करते थे क्या कि वो पेपर को पिनिंग करते थे, आपको बताऊं करके थोड़ा सा पिनर आपको बताते हैं, वो तरीका से आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम आपको थोड़ा सा आपको बताते हैं, लाइए और एक हमको कैंची भी लाइएगा, आपको बताते हैं
थोड़ा सा, तब तक ये हमारी पेंटिंग जो है ना वो सूख रही है ना। और वाइट वाला पाउडर एनीथिंग, आप कुछ भी डिजाइन आपको लेना है, ये आपके पास होगा, सुई होगा या पिन होगा है ना, तो नीचे आप तकिया रख सकते हैं, आप थर्मोकोल रख सकते हैं, जिसके अंदर में वो जैसे ही आप पिनिंग करेंगे ना तो आसानी से अंदर जा सके, ठीक है ना। तो हम आपको वैसे ही दिखाने के लिए हम इसको ऐसे ही होल हम करेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम आपके सामने थोड़ा सा होल हम एक सीधा सा लाइन अप करेंगे और इसी से आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको ट्रेस करके अगर रुखड़ा जगह है जहाँ पे आपको को काम करने में मुश्किल है तो आप इसका इस्तेमाल करके आप अपना ड्राइंग आप बना सकते हैं। और तब तक ये हमारा बोर्ड भी सूखते रहेगा, तब तक ये भी हम आपको बता देते हैं, है ना। आप देखेंगे कि मैंने ये चीज बनाया है यू के शेप में, है ना, है ना। तो अब आप देखेंगे कि ये जहां पे ट्रेस कर रहे हैं अगर वो डार्क है, अगर डार्क है तो वो पाउडर का इस्तेमाल करना है, वो लाइट होगा, ओके, वो लाइट होगा। अगर ये लाइट है तो आप जो पाउडर है ये जैसे नील हो गया, ठीक है, नील जो ब्लू कलर का नील होता है वो हो गया, या और भी पाउडर आते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसमें मैंने ये लगाया, तो आपको करना है क्या कि उस पाउडर को एक वो लेना है, कपड़ा लेना है, उसको एक पोटली की तरह बनाना है, ओके, और उससे आपको ऐसे से करना है। तो हम यहाँ पे आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं, आपको देख के आइडिया आ जाएगा, है ना। हटा दीजिए ये सब, आप ये देखेंगे कि यू का शेप आ गया है, आ गया है ना, ये यू का शेप आ गया है। तो आप इसी टेक्निक से आप किसी भी जगह पे आप आसानी से कोई भी ट्रेस आप कर सकते हैं। ये देखिए, वेलकम टिंकू जी, आ गया ना। तो ये तरीका होता था पहले के टाइम में, ओके, है ना। ये अगर ये बैकग्राउंड अगर लाइट है तो नील का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नील का, ठीक है। और ये वो टेक्निक है, हमको याद है कि मैं बचपन में हमारी जो दीदी थी, बड़ी सिस्टर, वो ऐसे ही वो तकिए के ऊपर ऐसे ड्राइंग व्राइंग करती थी, तो हमको आज तक याद है, ये है ना, ये आज तक हमको याद है। और ये अच्छा टेक्निक था वो, लेकिन ये टेक्निक धीरे धीरे ये विलुप्त होते गया जब से ये कार्बन उम्बन आया है तब से वो, लेकिन ऐसे जगह पे आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ये किया है, ओके। अब हमको करना है क्या, एक मत दीजिए, रेगमार आपको लेना है, सैंड पेपर, हंड्रेड नंबर का भी आता है, 250 नंबर का भी आता है, 300 नंबर का आता है। अब ये नंबर होता है क्यों है ये भी आपको बताते हैं। इसका जो दाना होता है, इसके ऊपर जो डस्ट होता है बालू का
कंकड़ का, ये दाने के हिसाब से इसका नंबर डाले रहते हैं। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही कम दाना होगा, यानी वो पतला दाना होगा। अगर 50 नंबर का लेंगे तो दाना मोटा होगा, 100 का लेंगे तो जो दाना है उससे और पतला होगा, 150 लेंगे तो उससे और पतला होगा। ऐसे ही आप आगे जितना बढ़ते जाएंगे, 250, 300, 1000 नंबर तक जाएंगे तो बिल्कुल वो जो दाना है ना बिल्कुल वो पतला हो जाएगा, बिल्कुल पतला। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर ज़्यादा बारीक अगर काम चाहिए तो आप 250 नंबर का, 300 नंबर का रेगमार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, वेलकम बिंदु जी। अब इसको हमने फोल्ड कर लिया है और आपको बताना चाहेंगे कि मैंने इसमें एक्रिलिक कलर ही लगाया है, ठीक है, पीछे भी जो लाइट वाला है और ऊपर वाला भी। ओके, अब इसको, हाँ वो जो नील था ना उसमें मिट्टी तेल भी मिक्स हम करते थे पहले, ठीक है, उसमें मिट्टी तेल भी हम मिक्स हम करते थे। तो अब देखिए इसमें करना है क्या कि ये हम रेग मार से इसको घिसेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये थोड़ा सा ये गीला है, इसमें आ जा रहा है, ये गीला है, लेकिन ये सूखने के बाद जब इसको रेग मार से रब आप करेंगे तो इसमें इफेक्ट आएगा, जो वो हम आपको बताते हैं कैसा आएगा। ये थोड़ा सा गीला ही रह गया है इसलिए थोड़ा सा, पेंटिंग के क्लासेज हम लेते हैं, अभी हमारे जो बुद्धा की जो क्लासेज है वो चल रही है, 1 तारीख से जो मिरर पेंटिंग है उसकी उसके चलेगी क्लासेज, और एक नए क्लासेज के लिए एक नया आर्ट हम 2-3 दिन के अंदर ही लेकर आ रहे हैं, बढ़िया सा एकदम, और लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट है वैसे आर्ट सीखने के लिए कि वैसा आर्ट लेकर आइए, तो हमने सोचा कि लेकर आ ही जाते हैं। और हम चाहते हैं कि जब भी मैं लाइव आऊं तो आप लोग के लिए कुछ ना कुछ ऐसे नया ट्रिक लेकर आऊं, वो ताकि इससे आप लोग को जानकारी मिले, आपको फायदा हो। ओके, यही हमारा मकसद होता है, टाइम पास के लिए नहीं कि टाइम पास आए और करके चले गए, इससे अच्छा हम आए नहीं, आए तो हम आपको कुछ बता कर जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। थोड़ा सा ये गीला है, इसको घिसने में इसमें ये पकड़ रहा है वो, लेकिन जैसे ये अच्छा से सूख जाता है तो फिर ये दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इसके इफेक्ट के बारे में हमको बताना है तो इसको हमको गीला में ही घिसना पड़ेगा, एक और ढूंढ कर लाइए, क्योंकि हमको इसको घिसना ही है, ठीक है ना। और ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट हो जाता है, बहुत ही सुंदर, अपोजिट के कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, 2 कलर को आपको लेकर चलना है। ओके, एक डार्क और एक लाइट, ठीक है, अगर ऐसा अगर कुछ अगर करते हैं तो, और वो दोनों कलर जो है सेम रिलेशन का होना चाहिए, अपोजिट में वो मज़ा नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मैंने ब्लू लगाया है और पहले आपने पीला लगा दिया तो मज़ा नहीं आएगा, एक ही रिलेशन का कलर होना चाहिए। ओके, अगर लाल के साथ पिंक चलेगा, येलो के साथ वाइट भी चलेगा, लाइट ग्रीन भी चलेगा, यानी जो कलर आप लगाएंगे वो उसी से मिलता जुलता होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा आएगा। नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन
आप करते हैं तो हमको अच्छा लगता है ऋतु जी, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वेलकम पूर्वी जी, ये मीन्स वार्म इज वार्म कलर एंड हॉट इज हॉट कलर। रुचिरा जी क्या बोल रहे हैं, वार्म विथ वार्म कलर एंड हॉट विथ हॉट कलर। मैं थोड़ा समझा रही आपका क्वेश्चन। अच्छा, कलर के बारे में जानना चाहते हैं कि जो हॉट कलर कौन सा होते हैं, तो आपको बता देते हैं हॉट कलर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो आंखों को नुकसानदायक है। रेड कलर है, येलो कलर है, ठीक है, इसको हॉट कलर के गिनती में इसको लाते हैं। आप लगातार येलो कलर को अगर एक मिनट अगर आप देख लेंगे और वहां से नज़र आप हटाएंगे तो आपका एक सेकंड के लिए, पाँच सेकंड के लिए आपका जो नज़र है वो धुंधला हो जाएगा। उसको ज़्यादा देर तक आप देख नहीं सकते हैं वो। लेकिन जो ब्लू कलर हो गया और जो ग्रीन कलर हुआ है, ये है ठंडा कलर है, ठीक है, ये आंखों को अच्छा लगता है। इसीलिए जब लोग आंख का ऑपरेशन करवाते हैं तो उनके आंखों के सामने जो पट्टी लगाया जाता है वो ग्रीन कलर का लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि आंखों को जो ग्रीन कलर वो काफ़ी अच्छा लगता है, यानी अच्छा मतलब वो फायदेमंद होता है, इसलिए डॉक्टर को है ना ग्रीन कलर ही लगाते हैं। अब ये आपके जो मीन्स वार्म विथ वार्म, हम आपका थोड़ा सा समझे नहीं है। अच्छा, कूल कलर्स एंड वार्म कलर मैंने आपको बताया था अभी। हम कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं, ठीक है, इसका रब करने का फायदा भी हम आपको बता रहे हैं ना, अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। इतना वो नहीं है कि हम रब करते जाएं, है ना, ऐसा नहीं है, रब करने के पीछे भी वजह है तभी हम इसको घिस रहे हैं। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि ये थोड़ा सा गीला है, ठीक से घिसा नहीं रहा है, ओके। अगर ये ठीक से, अब अभी तक क्या किया है फिर से रिपीट करेंगे। भारती जी, आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके आप देख लीजिएगा और बाकी मैं इसका शॉर्टकट में अभी हम बताएंगे कि इसे मैंने किया क्या है, ठीक है। सर वो पूछ रही है कूल कलर के साथ वार्म कलर इसमें यूज करना है कि नहीं। अपोजिट कलर आपको यूज नहीं करना है, मैंने अभी आपको बताया ना मैंने कि अगर इसमें लाल कलर है तो लाल के साथ अब ब्लू नहीं आप यूज कर सकते हैं इसमें। अगर दो कलर को लेकर अगर आप चल रहे हैं तो लाल के साथ पिंक चलेगा, येलो भी चलेगा, यानी जो कलर है वो रिलेशन का होना चाहिए, ठीक है, वो दो कलर को आपको लेकर यूज करना है, वो नहीं तो होगा क्या। ऑपोजिट कलर आप लेंगे तो होगा क्या, ये आप अभी देखेगा कि ये कितना अच्छा लग रहा है, हल्का सा नीला, डार्क नीला है ना, उसमें क्या होगा कि एक ज्यादा चमकेगा,
एक वो ज़्यादा चमकेगा जो उसकी जो ब्यूटी को फिर वो अच्छा नहीं होने देगा। तो हमारे हिसाब से आप दो कलर का जो रिलेशन है टीम के साथ रेड येलो के साथ ग्रीन है ना, उसके साथ में ऐसा उसी से मिलता जुलता उसी का लाइट डार्क में आप इसको ऐसा वर्क आप कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। बाकी अपने मर्जी से करने के लिए आप ऐसे आप स्वतंत्र हैं, जैसा आप चाहे वैसा आप कर सकते हैं, है ना। ये थोड़ा सा ये गीला है इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसको घिसना पड़ रहा है, लेकिन अगर सूखा होता ना तो चार पांच हाथ मारने से ये हो जाता, लेकिन ये गीला है इसलिए हमको थोड़ा सा इस पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, एक रेग मार और हमको लगाना पड़ रहा है। मीन्स कंट्रास्ट, एक मिनट, नहीं रब करने से नीचे वाला कलर नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सूख चुका है। ओके, यहाँ तक कि ऊपर वाला भी अगर अच्छी तरह से अगर सूख जाता है तो वो ज्यादा निकलेगा नहीं, थोड़ा सा ही निकलेगा। ओके, अगर ये रब करने से ही कलर अगर निकल जाएगा तब वो इसको करने का फायदा ही नहीं है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये निकल क्यों रहा है, ठीक है। तो ये हम अब इसको यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, इसे घिसने वाला काम, ठीक है, लेकिन इसका जो भी है डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। और जो हमने कमेंट पे अभी पढ़ा नहीं है, आंसर मैंने नहीं दिया है, तो आप अभी फिर से आप जी आप बोलिए। नहीं, इस टेक्निक का इस्तेमाल आप अगर कैनवस पे भी करना चाहते हैं तो उसमें आपको घिसने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। ओके, अगर आप कैनवस पे भी कर सकते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मैंने घिसा है ना, इसके ऊपर हमने पहले ये जो डार्क है उसका मैंने बिल्कुल मैंने लाइट किया था, आप देखे होंगे ये वाला लाइट था हमारा, है ना। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर मैं पूरे पे अभी आपके सामने मैंने ये टेक्सचर किया था, तो जहाँ पे पहले से हो रखा था उसके ऊपर ये हमारा जो डार्क कलर आया। ओके, अब आने के बाद ये जैसे ये सूख जाएगा और जब हम रेग मार से घिसेंगे तो जहाँ ये जो ऊंचा वाले पे पहले से लगा हुआ है ये लाइट कलर और वहाँ पे डार्क लग गया है, तो घिसने से होगा क्या कि ये जो डार्क कलर है वहां से हल्का सा वो हट जाएगा, और जब हटेगा तो वहां पे एक एंटिक लुक देगा, वो पीछे वाला और अभी वाला कलर दोनों आपस में मिलके एक एंटिक लुक देगा वो, इसका यही है। और ऐसा नहीं है कि वो घिसने से जो पीछे वाला है वो हट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो क्योंकि पीछे वाला बिल्कुल सूख चुका है और अभी जो हम कर रहे हैं ये भी सूखने के बाद ही आपको करना है वो, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि अभी इसको हमको करके दिखाना था, इसलिए थोड़ा सा गीले पे ही मुझे ज़्यादा देर तक उसको घिसना पड़ा। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आप दीवार पे कर सकते हैं, अगर आप घड़ी बना रहे हैं, फ्रेम बना रहे हैं उस पर आप कर सकते हैं, अगर फोटो फ्रेम है उसके ऊपर आप कर सकते हैं, या किसी पेंटिंग के बैकग्राउंड में आप चाहते हैं कुछ टेक्सचर आए डिफरेंट टाइप का, है ना। होता है क्या कि आप जैसे ही उसे कलर करते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है, आप चाहते हैं कि नहीं कुछ अलग हम दिखाएं, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें कलर जरूरी नहीं है कि नीला ही चलेगा, आप ग्रीन टोन आप ले सकते हैं, ब्राउन टोन ले सकते हैं, लाइट भी ले सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
डिस्ट्रेस लुक है ना, डिस्ट्रेस ये लुक है, देखिए अच्छा लुक है ना, अच्छा लुक है ये। ये देखिए गोल्ड लीफ के साथ कर सकते हैं। गोल्ड लीफ वाला मैंने इससे पहले मैंने टेक्निक हमने बता दिया है, आप उस वीडियो को थोड़ा सा एक बार आप देखेंगे, ठीक है। ये वो वाला नहीं है, उसका अलग टेक्निक है। इसका हमने जो टेक्निक बताया है, एक ही पेंट आपको लेना है, एक्रिलिक पेंट, और इसके साथ स्टेनर के साथ आपको वर्क करना है, ठीक है। एक्रिलिक अगर आपके पास दो कलर भी है, मान लीजिए अब ये वाइट है, ठीक है, आपके पास एक्रिलिक अगर येलो कलर भी है तो आप क्या करेंगे, येलो में थोड़ा सा वाइट मिक्स करके उसको आप लाइट येलो बना लेंगे। मेथड का एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके 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 नीलम जी करते हैं। तो एक ही कंपनी का आपके पास दो कलर आ जाएंगे तो उसमें आपको स्टेनर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, आपको इसी से ही काम हो जाएगा। बस दो आपको यूज करना है। या आपको एक बोर्ड आपको लेना है, ठीक है, एक आपको बोर्ड लेना है, एमडीएफ बोर्ड हो चाहे कुछ भी बोर्ड हो, हम तो वही वाला बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे पास पीछे में और भी पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि रखा हुआ है तो ये हम हटा देते हैं। आप देखेंगे कि हमने पीछे में ये बनाया हुआ था, आप देखेंगे पीछे में, आप देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड में आप ये कुछ है ना, ये टेक्चर कितना अच्छा है ना, इसके बैकग्राउंड में है ना ये, तो ये हमारा वैसे बेकार है, ये वैसे ही रखा हुआ था। बहुत मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइटम हैं पड़े हुए, तो अभी ये जो नीला लग गया है ना, ये जो डस्ट यहाँ पे लगा हुआ है वही इसमें लग गया है, पीछे रखे थे घिसे थे तो लग गया था, है ना। तो आप ये देखेंगे, और एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि ये उभड़ा हुआ है, ये सब उभड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये उभड़ा हुआ है, उभड़ा हुआ, तो ये इसका अलग टेक्निक है वो करने का वो, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको ये वाले के बारे में, है ना। ऐसा इफेक्ट अगर आपको देना है तो ये बिल्कुल ये आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैंने ये आपके सामने ही किया है और ये कितना अच्छा लग रहा है। इसका इस्तेमाल बोर्ड पे पेंटिंग के पीछे में, पेंटिंग मतलब वो अगर प्लेन जगह पे बना हुआ है वहाँ पे आप कर सकते हैं। ये है कैनवस पे करने के लिए भी, अगर आप एक्रिलिक अगर करना चाहते हैं तो लाइट डार्क का दो आप ले लीजिए, ठीक है, और उसको आप स्पैचुला से उसको कर सकते हैं। वेलकम सरोज जी, वेलकम संध्या जी, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछिए, वो क्योंकि हम पाँच जो आर्ट के बारे में आपको बताने वाले थे वो आर्ट हमारी अभी अभी पूरी हो गई है। अब हम रोज तो नहीं आएंगे वो, लेकिन दो तीन दिन के बीच में हम आएंगे जरूर, ओके। और दो तीन दिन के बाद हम आपके लिए एक अच्छा सा आर्ट लेकर आ रहे हैं, उसकी हम बारे में बताएंगे, आपको सिखाएंगे, और उसकी जो भी होगी हम क्लासेस के भी हम उसका लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ और बात है पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। इसको टेक्सचर आर्ट बोलते हैं, ओके, ये है टेक्सचर है कि अपने आर्ट में कोई टेक्सचर इफेक्ट अगर देना चाहते हैं तो आप। और एक और बात, इसमें आप स्टेंसिलिंग भी ऊपर से कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा वर्क करने के बाद इसके ऊपर आप चाहते हैं कि स्टेंसिल भी वर्क हम इस पर करें तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट इसके ऊपर, एक्रिलिक कलर वाला है स्टेंसिलिंग, ठीक है सर। एक्रिलिक कलर को पानी में मिक्स करके ढकते हैं, नहीं इसमें मैंने पानी यूज मैंने नहीं किया है, इसमें हमने बिना पानी का ही मैंने ये सब अप्लाई किया है। नहीं हमने डायरेक्ट, हमारे पास ये बोर्ड था, हमने डायरेक्ट
वो जो इससे वाला जो वो था स्काई ब्लू वाला कलर था उसको मैंने किया था क्या कि पहले मैंने पतला पेंट किया, बिल्कुल पतला, और मैंने पूरे में मैंने उसको पोत दिया, ठीक है। उसको पोतने के बाद जैसे ही सूख गया तो अभी स्पेचुला से हम जो टेक्चर किए थे उसी पेंट से हमने टेक्चर किया, जो मोटा वाला था, पतला वाला नहीं, मोटा वाला। उसके बाद फिर हमने ये जो डार्क आपके सामने अभी किया है ये वो है। नहीं, आगे भी हम 2:30 बजे ही आया करेंगे वो, लेकिन अब रोज रोज हम नहीं आएंगे, ठीक है। वो क्योंकि वर्क थोड़ा सा बढ़ गया है। इस पे क्या बनाया जा सकता है, आपको अभी बना के आपको दिखा दें स्टेंसिलिंग में, बोलिए। बहुत ही सुंदर लगेगा स्टेंसिलिंग में, अगर इम्बोज करना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। एक स्टेंसिल लगेगा थोड़ा, अभी आपको हम दिखा देते हैं। वैसे भी ये हमारे लिए यूज का नहीं है, है ना, ये आप लोग के लिए ये सब हम यूज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यूज का नहीं है, तो आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं और ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मार्बल पाउडर लेंगे थोड़ा सा और स्पेचुला मिक्स करने वाला। अभी हम आपको इसके ऊपर बढ़िया सा वर्क करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। स्टेंसिलिंग में आपको अगर इम्बोज वर्क करना है ना, इम्बोज मार्बल पाउडर और एक्रिलिक पेंट आपको लेना है, वो गिलास भी लाइए, और उसको स्पेचुला से अप्लाई करना है, बहुत ही जबरदस्त आएगा आपको। अच्छा, नेकी कर और पूछ पूछ, क्या बात है नेकी कर और पूछ पूछ। आने वाले टाइम में मैं आपको अच्छे से अच्छे आर्ट वर्क के जो ड्राइंग है, ये तो खैर हमारे लिए एक सिंपल बात है ना, ये हम चाहते हैं आप लोग के लिए मिक्स करने वाला लगे ना। तो हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सईमा फहीम जी, अरे हम क्लियर करने के लिए बैठे हैं, डोंट वरी, ठीक है। ये देखेंगे, ये वही एक्रिलिक है, इसमें हमने डाला ये स्पेचुला, एक छोटा वाला लाइए, नहीं इससे छोटा वाला लाइए, ये मार्बल पाउडर है, ठीक है। मार्बल पाउडर आपके पास नहीं है तो आप स्टेंसिलिंग करना चाहते हैं तो एक्रिलिक में आप चौक मिट्टी भी मिक्स करके स्टेंसिलिंग तो आप कर ही सकते हैं, उसमें अगर हल्का सा फट भी जाता है तो दिक्कत वाला बात नहीं है। मैं ये जो भी इफेक्ट ये आर्ट में लेकर आता हूँ कि जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको ये जानकारी मिले और अपना वर्क को आगे वो बढ़ा सके। और ऐसे बहुत से आप जैसे लोग हैं जो हमको मैसेज कर रहे हैं कि मैं काफ़ी अच्छा वर्क मैं कर रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में मैं आप जैसे लोगों को जो पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं उनके लिए बेटर मैं करने वाला हूँ फ्यूचर में, ठीक है। हाँ, ये है कि जो मैं आर्ट की जो मैं क्लासेस लेता हूँ वो तो खैर हमारे लिए एक अलग है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, पूरी डिटेल बतानी पड़ती है। तो एक दो भी अगर वैसे में लेकर भी आ जाते हैं तो भी उसमें आपको उतना जानकारी नहीं होगी, इसीलिए मैं हल्का हल्का आर्ट में आपके लिए लेकर आता हूँ। ये देखेंगे कि एक मेरे पास एक स्टेंसिल है, ठीक है, ये स्टेंसिल है, ओके। मैंने इसे खुद मैंने काटा था, ओके, स्टेंसिल है। अब इस स्टेंसिल के ऊपर मैं यही एक्रिलिक का ही मैं बेस में लगाने वाला हूं।
ये बन चुका है। ये आपको जो मटेरियल बनाना है कैसा बनाना है, आटा से थोड़ा सा पतला, ठीक है, आटा का जो हम बनाते हैं रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा आपको ये आपको पतला लेकर चलना है। ये देखिए अब ये देखिए इतना ये गिर नहीं रहा है, ओके। अब इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे, तो पहले हम इकट्ठे इस पर निकाल लेते हैं, ओके। और इसका इस्तेमाल आप अपने घर के दीवार पे साइड में कहीं भी आप ऐसे बना सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, और स्टेंसिल जब भी आप लगाइए तो आप कोशिश कीजिए कि उसको टेप से चिपका दें। अगर टेप से नहीं चिपकाते हैं तो आप किसी का हेल्प ले सकते हैं स्टेंसिल को पकड़ने के लिए, अगर वो बड़ा स्टेंसिल है तो, ओके, और नहीं तो आप खुद इसको कर सकते हैं। तो ये हमने इसको मैं आसानी से इसको कर सकता हूँ क्योंकि हमको इसका एक्सपीरियंस है, हिलेगा नहीं ये। अब ये देखेंगे कि अब इसी से हमको फैलाएंगे। हिसाब से दबा के चलाना है ताकि ये पत्ते के अंदर में ठीक से आ जाए, उस जो गैप है उसके अंदर ठीक से आ जाए। और उसके बाद ये देखिए, ये मैंने इसको कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे, निकल गया ये, ठीक है। अब निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो लगा हुआ है, क्योंकि स्टेंसिल हमको और भी जगह यूज हमको इसको करना होगा, तो इसको हम साफ भी तुरंत इसको हम कर लेंगे, ठीक है। अगर इसको साफ अगर आप नहीं करेंगे तो ये फिर हो जाएगा खराब। और एक और आपको बात बताना चाहेंगे, इस स्टेंसिल का लगातार 4-5 बार अप्लाई कर सकते हैं। एक अभी कीजिए यहाँ पे छापने के बाद, और अगर फटाफट कर लीजिए, है ना, यानी 4-5 बार ये हो जाएगा। उसके बाद फिर धो दीजिए, फिर यूज कीजिए, धोने के बाद यानी सुखाने के बाद इसको धो दीजिए और इसको अच्छी तरह से इसको अखबार के बीच में रख के आप इसको थपथपा देंगे ना, तो इसका जो पानी है सब फिर वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसको आप फिर से यूज आप कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक का है, यही अगर पेपर का हो ना तो होता है क्या पेपर वाला में कि वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है। जब ख़राब हो जाएगा तो आपको हर बार नया स्टेंसिल यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये प्लास्टिक का मैंने स्टेंसिल यूज किया है जीवन में। और आपको बताना चाहेंगे कि ये स्टेंसिल आज से 10 साल पहले मैंने काटा था, 10 साल पहले, ओके, ये आज का नहीं है, 10 साल पहले का है। इसको आप इसकी मटेरियल को फेंक दीजिए, वो क्योंकि ये स्टेंसिल ये सब ओल्ड वर्क है, ठीक है ना। और हमारा यही होता है कि हम जो भी आर्ट अपना करें नए नए फॉर्म में करें। अब आप देखेंगे कि ये छप चुका है और ये उभरा हुआ है, ये एम्बोज्ड है, उभरा हुआ है, ये देखिए उभरा हुआ है। अब यहाँ पे बात ये भी आता है, हाँ, मार्बल पाउडर और एक्रिलिक के एक्रिलिक वाइट है, अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अब होगा क्या कि ये इसमें कलर करना चाहते हैं, ओके, तो इसमें करना आपको कुछ भी नहीं है। आपको करना है क्या कि ये सूख जाने के बाद, सूख जाएगा तो वही स्टेंसिल आपको फिर इस पर रखना है। तो जहाँ पे स्टेंसिल आपने रखा है वहाँ पे वो ठीक ऑटोमेटिक वो बैठ, आपको स्पंज से कलर लेना है और फिर से आपको करना है। आपको 10 सेकंड के अंदर में ये पत्ते हैं ना वो कलर हो जाएगा, ओके, 10 सेकंड के अंदर में ये पत्ते कलर हो जाएगा। रही बात कि आप
मार्बल पाउडर नहीं है तो आपको हम बोल रहे हैं कि चौक मिट्टी का भी इस्तेमाल करके ये थोड़ा सा ये इम्बोज ये ज़्यादा होता नहीं है, ओके। तो आप चौक मिट्टी फ्रेंच पाउडर का भी इस्तेमाल करके आप ये बना सकते हैं, ओके। अब ये मजबूती से पकड़ेगा क्यों सर? पेंट की जगह फेविकोल यूज कर सकते हैं, ऐसा है, हम आपको बताना चाहेंगे। इसका जो बेस है ये एक्रीलिक में है, ठीक है, एक्रीलिक पेंट है ये, तो एक्रीलिक में अच्छा पकड़ेगा। अगर आपने इसका बेस एक्रीलिक बनाया और फेविकोल का अगर आपने वर्क किया है तो वो मजबूती नहीं बना पाएगा, ठीक है, वो कमज़ोर रहेगा। इसलिए अगर आप बेस अगर एक्रीलिक बना रहे हैं तो एक्रीलिक वाला ही चलाइए, अगर फेविकोल का बना रहे हैं तो फेविकोल वाला ही चलाइए। सर स्टेंसिल के लिए चूना यूज हो सकता है क्या? चूना के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि मैंने आज तक यूज नहीं किया है, ठीक है, तो हम इसके बारे में आपको हम जवाब नहीं दे सकते हैं, झूठ बोलने से फायदा नहीं है, है ना, वो क्योंकि मैंने यूज किया नहीं तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, वो क्योंकि आप लोग के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनोवेटिव आपके होते हैं सवाल, और अच्छा लगता है कि आप ऐसे हमको पूछते हैं। और जो चूना वाली बात है तो उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, और कोई आर्ट में अगर वो अगर अच्छा हुआ तो आप देखिए। अब ये जहाँ पर रफ आ गया है तो आपको इसको 250 नंबर 300 नंबर वाला का जो रेग मार होगा ना उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से आपको घीच देना तो बिल्कुल ही प्लेन हो जाएगा, और जब प्लेन हो जाएगा तो काम करने में देखने में अच्छा लगेगा, लगेगा कि हाँ। अक्सर लोग करते हैं क्या कि स्टेंसिल लगा के वो कलर लिए और स्पंज से थपथपा दिए वो कलर का इफेक्ट आ जाता है, लेकिन आप ये इम्बोज अगर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए आसान है, तो फिर कलर नहीं करना पड़ेगा, कलर एक्रिलिक यूज करूँ, बिल्कुल इसमें एक्रिलिक कलर ही मैंने यूज किया है, चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो, ओके। तो एक्रिलिक कलर ज़्यादा अच्छा रहता है। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, आपको हम ऐसे ऐसे आर्ट है। अब ये जो भी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं ये छोटा है, ये सब छोटा छोटा ट्रिक है हमारे लिए, ये कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर में हम आपके लिए बड़े बड़े ट्रिक हम लेकर आएंगे। लिप्पन आर्ट में प्रीति जी आप अगर काम कर रहे हैं बोर्ड पे, अगर प्लाई पे यूज कर रहे हैं तो आपके लिए फेविकोल का बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, ठीक है, उसकी मजबूती अच्छा रहती है। अब बाकी आप एक्रिलिक से भी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सुंदर बना है। वेलकम विनीता जी, और कोई है जवाब तो आप पूछिए। व्हाइट पुट्टी के साथ फैब्रिक पेंटिंग टिप्स, मीनाक्षी जी आपकी एक टिप्स है मेरे पास, आपने बताया था वो वाला मोम वाला, वो ढूंढ रहे हैं कहीं पे मिला नहीं है, ओके। अब बाकी जो फैब्रिक वाला है वो हम आएंगे लेकर आएंगे, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। ऐसे हम हमको आप लोग बताया कीजिए ये चीज लेकर आइए। गीता राघव जी आप अपने स्टूडियो का पिक्चर दिखाइए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हमारे पास स्टूडियो नहीं है, ठीक है, स्टूडियो इसलिए नहीं कि क्योंकि मैंने ऑर्डर बेस पे मैंने काम अब तक किया है, ओके। ऑर्डर बेस पे हम आपने ऑर्डर दिया, मैंने आपको पेंटिंग बना के बेच दिया, ठीक है, बस वो पेंटिंग की हमारे पास फोटोग्राफी है और कुछ नहीं है। ये लम्सा आर्ट क्ले मेकिंग मी, लम्सा क्या होता है, और जरूरी नहीं है कि स्टूडियो ही आर्टिस्ट के लिए वो अच्छा वर्क करता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर में बस आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए तो उसके लिए कोई डिग्री स्टूडियो मायने नहीं रखती है, ठीक है। अगर आपके पास स्टूडियो हो सब कुछ हो और आर्ट का नॉलेज ना हुई है तो फिर उसका मज़ा नहीं है, ओके। अभी भी आप बहुत से देखेंगे कि
ऐसे लोग हैं, वर्क नहीं आता है वो, लेकिन इतनी पब्लिसिटी अपना कर देते हैं कि अच्छे अच्छे जो काम करने वाले हैं वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि अच्छा अच्छा काम करने वाला है जो गुमनाम की ज़िंदगी जी रहा है, जो अच्छा काम करने वाला नहीं है वो काफ़ी फेमस हो गया है। उसकी वजह यही है कि उनके पास पैसे हैं और उनके पास वो लिंक है, अपना पब्लिसिटी करके वो अपना आगे बढ़ गए वो। लेकिन आर्टिस्ट लोग होते हैं, सच्चे होते हैं, वो जल्दी ये सब लफड़े में पलते नहीं है, जो मिल गया उसी में अपना खुश रहते हैं। इसीलिए ज़्यादातर आर्टिस्ट हैं अभी के डेट में आपको बता रहे हैं, बहुत से आर्टिस्ट जो हैं जो गुमनाम हैं, बड़ी अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, उनका काम देख के इतना अच्छा लगता है कि हाँ। लमनसा ये क्ले का टाइप है सर, लमनसा मैं नाम फर्स्ट बार में सुन रहा हूँ, और कोई इसका नाम हो तो आप बताइए। आप हमको इनबॉक्स पे व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा, मैं इस लमनसा के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि ये लमनसा है क्या। ऑयल पेंटिंग, थैंक यू। जो नए आए हैं उनको एक बार और हम एक कृष्ण जी जो धागा वाला जो है ना दिखा देते हैं, देख लीजिए ये इनका फेस भी कितना सुंदर बना है ना, कितना ही सुंदर बना है ये फेस, आप देख सकते हैं कि अब ये बोल पड़ेंगे है ना, ऐसा लग रहा है कि अब ये बोल पड़ेंगे। अब वही धागा वाला है, वही इसमें जो धागा मैंने आपके सामने लपेटा था ये वही है। अब इनकी हमको वो करना है, फ्रेमिंग करना है और अपने बैकग्राउंड में भी हम लगाएंगे। और सर आप भी फेमस होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा हमारा कुछ फेमस के लिए हमारी इच्छा नहीं है, आपको बताना चाहेंगे। अगर फेमस की इच्छा होती तो हम आज से 10 साल पहले ही हम ऑनलाइन आ गए होते, और जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो जल्दी अपना ऐसे वो नहीं आना पसंद नहीं करते हैं वो, लेकिन लॉकडाउन हो गया, खाली बैठे हुए थे, काम धंधा था नहीं, इसलिए हम आ गए, यही सच्चाई है और कोई बात नहीं, ठीक है। वो क्योंकि लॉकडाउन इतिहास में ऐसा हुआ है जो हर किसी को लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ओके। तो आपके लिए 2-3 दिन के बाद एक अच्छा मैं आर्ट लेकर आ रहा हूँ, आपको देख के अच्छा लगेगा, अगर आप ज्वाइन करेंगे सीखना चाहेंगे तो उसका फीस भी हम ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और उसकी जो भी मटेरियल के बारे में होगा पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, आप खुद जो मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हम स्टूडेंट सबको यही बोलते हैं कि मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, कि आप हमसे ही लीजिए, ठीक है। मार्बल पाउडर के लिए मैं लोगों को जो मैंने वीडियो बनाया है कि वो 10 रुपये के भाव से आता है, तो मैं 10 रुपये के भाव से ही दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं, वो क्योंकि वो सस्ता आता है तो सस्ता है, तो उससे महंगा हम क्यों बेचें, है ना। नहीं ये एक्रिलिक कलर से नहीं है, ये मैंने ऑयल कलर से कृष्णा जी बनाया है, ठीक है, ऑयल कलर से मैंने बनाया है। ये पेंटिंग की वीडियो शेयर करो, ओके। मैं कृष्ण जी का भी 2-3 मिनट का वीडियो बनाकर अपने पेज पे डालूंगा, यूट्यूब पे भी डालूंगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि इंस्टा पे भी मैं लाइव आया करूँ, उसके लिए अभी थोड़ा सा हम उस पर वर्क हम कर रहे हैं। एक्सकल्चर आप भी बताया सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम एक्सकल्चर आपके सामने बना के दिखाएंगे, किसी का मूर्ति सामने बना के मैं दिखाऊंगा और हम ही दिखाएंगे, ठीक है। ये नहीं किसी आर्टिस्ट को वहाँ पे बैठा दिया, उसका फेस नहीं दिखा रहे हैं, हाथ से आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और नाम हम कर रहे हैं कि मैं बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, जो मैं बनाऊंगा वो मैं ही रहूंगा, हम अपने हाथों से ही हर आर्ट को आपको बना के दिखाएंगे। और अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी आने वाला टाइम में यूट्यूब का लिंक आपको इसी वीडियो के साथ में आपको लिंक भी आपको दिख रहा होगा, उस लिंक को आप फॉलो करके आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बस यही है कि अभी हम नए हैं तो अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अभी हो रही है ये सब पे, ऑनलाइन पे,
वो लेकिन हो जाएगी। और आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मेरा कि हमको बार बार ऑनलाइन आने का मन कर रहा है। मैंने क्ले के बारे में होममेड क्ले के बारे में मैंने बताया है, आज से एक डेढ़ महीना पहले आप जाके देखेंगे तो उसमें चार पांच प्रकार के होममेड जो भी होता है क्ले है उसके बारे में मैंने बताया है, डिटेल में मैंने बताया है। ओके, जो बुद्धा वाला जो क्ले है ना, इसके लिए जो क्ले है मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि इसकी हमारी चल रही है क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो जो इसके बारे में जो जुड़ेंगे उनको पूरी डिटेल हम देंगे। ओके सर, ऑयल पेंट में लिंसिडॉल के साथ दूसरा कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं? लिंसिडॉल यूज करते क्यों है ये हम आपको बताते हैं। लिंसिडॉल इसलिए यूज करते हैं कि उस पेंटिंग में थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है, ठीक है। लेकिन लिंसिडॉल अगर ज़्यादा आपने यूज कर दिया तो पेंटिंग कल होके यानी 6 महीना 1 साल के बाद वो येल्लो टोन में वो येल्लो टोन की तरह वो दिखता है, पीलापन उसमें दिखेगा थोड़ा सा, है ना। तो आप लिंसिडॉल थोड़ा सा यूज कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर उसमें मिक्स करना चाहते हैं तो तारपीन तेल आप थोड़ा सा मिक्स करके आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पेज का नाम क्या है? आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए, आपको पेज का भी नाम आपको दिख जाएगा, एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज। एसके एस मतलब सरफराज, के मतलब खान, ठीक है। ये थ्रेड पेंटिंग का नाम क्या है? ऐसा कुछ पल्लवी जी मैंने आर्ट के लिए मैं सोचता नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं इसके लिए स्पेशल कुछ नाम रखूँ। हाँ, ये सब एक आर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये आर्ट ट्रिक अगर इसको बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है वो, क्योंकि अगर मैं अब ये मैंने ये बनाया बैकग्राउंड मैंने दे दिया, अभी इसका हम नाम रख दें एसके आर्ट तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। वो क्योंकि इस आर्ट को बहुत से आर्टिस्ट भी बनाएंगे या बनाए होंगे, है ना, तो इसको हम नाम नहीं देंगे। और यही हमारा ये भी है कि अगर कोई अगर हम फेविकोल मार्बल पाउडर या चौक मिट्टी से ऐसा कोई हम क्ले बनाते हैं उसका हम नाम दे दें तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नाम वो देने से आपका वो नहीं हो जाता है। हाँ, नाम आप कब देंगे? जब आपकी खुद की क्रिएशन हो। अब ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पेंटिंग मैंने अपने आप बनाया है, कहीं से रेफरेंस नहीं है, ठीक है, रेफरेंस नहीं है। तो इसमें मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, यहाँ पे अपना नाम मैं लिख सकता हूँ कि ये पेंटिंग ये मेरी है, ठीक है, ये पेंटिंग ये मेरी है, इस पे हम नाम लिख सकता हूँ और मैं लिखूँगा भी और इसको हम अपने पेज पे डालूँगा भी वो, क्योंकि ये हम अपने बनाया हूँ। विंटेज कैसे दिखाऊं सर? बताएं पेपर पेंटिंग में विंटेज कैसे दिखाऊं? ओके ओके रश्मि जी, हम आपके लिए ये बात हम नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास में ऐसे हम आर्ट ट्रिक लेकर आएंगे आपके लिए जो आप उसको कैसे आप दिखा सकते हैं। इमराना शाही जी, आप इसी वीडियो के लिंक पे आप जाएंगे तो यूट्यूब पे आप पहुंच जाएंगे, उसमें आपको डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम ये वीडियो को यहीं पे फिर हम समाप्त करते हैं, ठीक है, आपसे फिर हम जल्दी ही मिलते हैं 2-3 दिन पे, ठीक है। लेकिन मेरा टाइम यही रहेगा 2:30 बजे, ओके, 2:30 बजे ही हम इन फ्यूचर में आते रहेंगे, जब भी अगर आना होगा मैं 2:30 बजे आऊँगा, 5-7 मिनट आगे पीछे हो सकता है वो टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन मैं 2:30 बजे ही आऊँगा, ठीक है। हाँ, लोगों ने मार्बल पाउडर का भी अपना नाम दिया है, मार्बल पाउडर बिल्कुल सस्ता आता है, लोग बोरी में लाए उसको पन्नी में पैक किए, हमने एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के एक स्टिकर बनाया उसमें नाम लगाया ये माल है जो एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस का है। ओके, तो एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के नाम से बिकने लगेगा, है ना। तो हम ऐसा कुछ करने वाला नहीं है कि मैं उस मटेरियल पर अपना नाम हम देंगे, ओके, वो क्योंकि वो ऑलरेडी सस्ता आता है, मैंने वीडियो डाला है आप उससे ड्रेस पे जाके ले सकते हैं और कुछ लोग जाके ले भी रहे हैं, उनको मिल जा रहा है, एक अच्छी बात है। मार्बल पेंटिंग प्लीज बताइए, मार्बल पेंटिंग के ऊपर भी वर्क करके हमको जो है ज्वेलरी आर्ट हो गया ये सब हम आपको दिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। हम थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से है क्या
कि दिल्ली में ऐसे कुछ मटेरियल है ना जो बाहर से नहीं आ पा रहा है, ठीक है, और उनके पास माल नहीं है तो उनको मंगवाने के लिए बोल रहे हैं तो वो ऑर्डर वो ले नहीं रहे हैं कि हम आपसे अभी ऑर्डर नहीं ले सकते क्योंकि पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा। ओके, जरूर हम क्यों ना हम ट्राई करेंगे, ओके, वो लेकिन हमको जहाँ तक लगता है वो सक्सेस नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर में जो होता है फास्फोरस होता है, जैसे ही वो पानी के अंदर में आता है उसमें एक हीट पैदा होता है, अभी हमको याद आ रहा है चूना के बारे में, ठीक है, वो हीट पैदा होता है जो पेंटिंग के लिए मुश्किल हो कर सकता है। ओके, तो जैसे ही कुछ ऐसा आर्ट का मटेरियल मिलता है वहाँ वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है, आप लोग हमारे पे लाइव पे आए हैं और इतना टाइम दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ऐसे ही हमारे लाइव पे आते रहिए और हमारे आर्ट को सपोर्ट करते रहिए, इन फ्यूचर में आपको बहुत से आर्ट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।